कामरा इस वक्त पैदल ही बेहद तेजी से पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ रहा था, जहां उसे एहसास था कि वो दोनों लड़के मिल सकते हैं। कैसा माहौल है ये, सब कुछ अजीब सा लग रहा है, तो मुझे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हो रहा है। कैसी ऊर्जा है ये? कामरा आ तो गया था, पर अब उसे लग रहा था कि वो तो अपने समय काल में ही नहीं, और ये समय काल जो इस वन में हो चुका है वो अत्यंत पुराना है। कामरा अपनी ही उधेड़ वन में आगे बढ़ रहा था कि उसे दूर से मधुर स्वर सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई बेहद सुंदर गीत गाते हुए आगे बढ़ रहा। कौन है ये गाना गाने वाला, और इसकी आवाज कितनी सुरीली है। लगता है मेरे आसपास कोई शायद लड़की गाना गा रही है। और फिर वो एक तरफ दूर देखने लगता है। उसे एक सफेद घोड़े पर खूबसूरत लड़की उसी की दिशा की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। अरे ये कौन है? बड़े ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखता है। उसकी सुंदरता इसके दिल में बसती चली जाती है। अत्यंत सुंदर, मैंने इससे सुंदर रूपवती लड़की पहले कभी नहीं देखी। और उसके कदम अपने आप ही घोड़े पर जा रही उस लड़की की तरफ बढ़ जाते हैं। डायन जो घोड़े पर जा रही थी उसे भी कामरा नजर आ गया था, और उसे देखकर वो थोड़ा सा अचंभित होती है। ये कौन है? ये तो मुझे कोई तांत्रिक नजर आ रहा है। और फिर उसकी आंखें एकदम से अलग तरीके से चमकती है और कामरा का विश्लेषण करती है। अरे इसके अंदर तो कोई भी तांत्रिक ऊर्जा नहीं है, पर देखने से ये तांत्रिक जैसा लग रहा है। और ये शायद मेरी ही तरफ आ रहा है, मेरी सुंदरता से वशीभूत होगा। और फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आती है। अच्छा है, शिकार खुद ही शिकार के पास आ रहा है मरने के लिए। इसे मैं यही बांध कर जाऊंगा ताकि रात को इसका शिकार कर सकूं। और डायन की आंखों में एक चमक आ जाती है। कामरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके शरीर में भी एक हलचल हुई थी, और यह हलचल उसके गले में पड़ी माला की वजह से हुई थी। वो माला बताने लगी थी कि तेरे आसपास बुरी ताकत है, तुझे वहां से दूर जाना है, अपना बचाव करना है। कामरा एकदम से रुक गया था और दूर घोड़े पर जा रही उस लड़की को देखकर अजीब सा मुंह बना रहा था। इसका मतलब ये लड़की आम लड़की नहीं है, कोई बुरी ताकत है जो इस रूप में घूमकर लोगों को अपने जाल में फंसाने निकली है। मुझे इससे सावधान रहना होगा। पर ये इतनी सुंदर है, एक बार तो जाकर इसके पास इसे परख ही लेता हूं। अरे सुनो, रुको एक मिनट। ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कामरा भागते हुए डायन के घोड़े के पास जा पहुंचा और मुस्कुराते हुए, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, मैं तो इस जंगल में भटक गया था, अब आप मुझे रास्ता दिखा सकती हैं। आप कौन है वीर? मैंने आप जैसा पुरुष पहले कभी नहीं देखा इस वन में। कामरा उसकी बात सुनकर, ये तो मुझे अपने जाल में उलझाना चाहती है, इसीलिए ऐसी मीठी मीठी बातें कर रही है। क्या सोचने लग गए वीर पुरुष, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? और अपनी हसीन अदाएं दिखाती है। मैं एक यात्री हूँ, मेरा नाम कामरा है, पास के कस्बे की तरफ जा रहा हूँ, पर मुझे कस्बा मिल ही नहीं रहा। फिर आपको देखा तो लगा अब शायद यहीं आसपास रहती हैं कहीं। अगर मेरी मदद करते हैं उस कस्बे तक पहुंचाने के लिए, बस यही सोचकर आपसे मदद मांगने आपके पास आ गया। बहुत अच्छा किया आपने जो मेरे पास मदद मांगने चले आए। मैं आपको कस्बे तक छोड़ दूंगी, चलिए मेरे साथ। पर मेरे पैरों में दर्द होने लगा है, अब मैं आपके घोड़े के साथ नहीं चल पाऊंगा, और पैरों में दर्द होने का नाटक करता है। अरे आप तो काफी तकलीफ में है, अब मुझसे आपका ये दर्द देखा नहीं जा रहा। आप आइए और मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आपको कस्बे तक छोड़ आती हूँ। ठीक है। और ये कहकर कामरा घोड़े की पीठ पर डायन के पीछे बैठ जाता है। आपका नाम क्या है सुंदरी? मेरा नाम चमेली है। डायन चमेली, मुझे बेवकूफ बनाने चली है, पर मुझे तो इसके घोड़े पर बैठकर कस्बे तक जाना है, उसके बाद इसे चलता कर दूंगा।
डायन उसे अपनी बातों में लगाने की कोशिश करने लगी थी। तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो कामरा? चमेली, मैं एक मित्र के घर से आ रहा था और अपने घर जा रहा था। डायन चमेली कुछ सोचती है और उसे ध्यान आता है कि उसे तो ऐसे नवयुवक को ढूंढना है जिसके पैरों के तलवे पर काला निशान है। फिर डायन एकदम से घोड़े से उतर जाती है। अरे क्या हुआ, तुम घोड़े से क्यों उतर गई? आश्चर्य से उसके चेहरे की तरफ देखता है। मुझे तुम्हारे पैरों को देखना है, अपनी जूतियां उतारो। कामरा एकदम हैरान रह जाता है। क्या कह रही हो, मैं अपनी जूतियां क्यों उतारूं? तुम्हें क्या करना है मेरे पैरों को देखकर? डायन चमेली मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और अपने मोतियों जैसे दांतों को दिखाती है। आप हमारे भी मेहमान है और हमारे भी एक परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है उसके पैरों को हम छूकर देखते हैं, इसलिए मुझे भी अब आपके पैरों को छूकर देखना है। कामरा उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखता है। ये डायन कुछ करने के मूड में लग रही है, पर अब मैं इससे उलझ भी नहीं सकता। और अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये क्रोध में आकर जाने क्या करने लग जाए। ऐसे तो अभी दिन का समय है, इस समय यह सदा आक्रामक नहीं हो पाएगी, पर फिर भी मैं इससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। क्या हुआ, क्या मैं देख सकती हूँ तुम्हारे पैरों को? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उतार लो मेरी जूतियां। डायन चमेली उसके पैर की जूती उतारती है और उसके पैर को छूकर देखते हुए उसके तलवे पर नजर डालती है, पर वहां पर कोई भी काला निशान नहीं था। उसका मूड खराब हो जाता है और वो दोबारा से उसके पैर में जूती पहना देती है। फिर वो दूसरे पैर को भी ऐसे ही चेक करती है और दूसरे पैर में भी कोई निशान न पाकर एक पल तो गुस्से से भर जाती है, फिर अगले ही पल कामरा की तरफ देखकर मुस्कुराती है। कामरा, अब तो तुम्हें खुशी मिल गई मेरे पैरों को छूकर। चलो मैं तुम्हें अच्छा सा आशीर्वाद भी दे देता हूं, ऊपर वाला तुम्हें ऐसे ही खूबसूरत बनाए रखे। और फिर उसकी तरफ देखकर हौले से मुस्कुराता है। क्या कह रहे हो, ये भी कोई आशीर्वाद हुआ? कोई इंसान हमेशा खूबसूरत कैसे रह सकता है? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हमेशा खूबसूरत रहने की दवाई दे दूंगा, बस तुम ऐसे ही मेरे साथ देती रहो। क्या कहा, तुम्हारे पास हमेशा सुंदर रहने की दवाई है? क्या तुम कोई वैद हो? पर तुम लगते तो नहीं हो। और पैदल ही घोड़े की लगाम पकड़कर आगे को चल देती है। आओ घोड़े पर ही बैठ जाओ, पैदल क्यों चल रही हो, कस्बे में पहुंचने में देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, आराम से बातें करते हुए चलते हैं। कुछ तुम अपनी सुनाओ, कुछ मैं अपनी सुनाती हूँ। लगता है मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, वरना ये डायन मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अच्छा तो तुम कहाँ जा रही थी इस घोड़े पर बैठकर? कामरा इस वक्त डायन के साथ उसके घोड़े पर बड़े आराम से हवेली की तरफ बढ़ रहा था, पर अब उसे लगने लगा था ये डायन उसके साथ कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है और ये उसके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। कामरा उसे बातों में उलझाकर निकलने की योजना बनाता है। अच्छा अपने बारे में कुछ और बताओ। बहुत कुछ है बताने के लिए, पर इतनी जल्दी मैं आपको क्या बता सकती हूँ। ठीक कहा तुमने, फिर भी कुछ तो बताओ अपने बारे में। मैं यहाँ से दक्षिण में दूर एक कबीले में रहती हूँ और इस वक्त वन के भ्रमण में निकली हुई हूँ, और अब तुमसे मुलाकात हो गई है। पर इतनी सुबह सुबह इतने भयानक जंगल में, वो भी अकेले, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कहीं कोई जंगली जानवर तुम पर हमला कर दे, तब क्या होगा? ये तो मुझे कमजोर कन्या समझ रहा है, पर इसे क्या पता, मैं तो बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार चुटकी बजाकर कर लेती हूँ। क्या सोचने लगी, कुछ तो बोलो। डर तो बहुत लगता है, पर मेरा ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसे कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, ऐसा घोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। कितना मजबूत कदकाठी का है ये, कहाँ से लिया तुमने? इसे तो मेरे परिवार वालों ने बचपन से ही पाला है और सिर्फ मेरे लिए ही इसे तैयार किया है। लगता है ये मेरी बातों में आने लगा है,
और मेरे रूप रंग में उलझ गया। बस अब मैं इसे ऐसे ही उलझा के रखती हूँ और फिर आगे से घूमकर इसे अपने गुप्त जगह पर ले जाऊंगी और कैद कर लूंगी और फिर रात को इसका गरम गरम खून पीकर प्यास बुझाऊंगी। क्या सोचने लगी तुम? तुम्हारा ध्यान मुझे कहीं और लग रहा है, क्या कोई बात है? डायन चमेली मन ही मन में योजना बनाने लगती है। हाँ हाँ एक बात है, पर अब सोच रही हूँ तुमसे कैसे कहूँ। क्या बात है, कहो, मुझसे डरो मत। मैं जानता था बहुत जल्दी ही ये डायन कोई ना कोई ऐसा पैंतरा चलेगी ही मुझे अपनी चाल में उलझाने का, ताकि मुझे उसमें फंसाकर मेरे जिस्म पर दावत उड़ा सके। दरअसल मेरे माँ बाबा बहुत दुखी हैं। वे चाहते हैं कोई अच्छा सा नवयुवक उनके ढेर सारे खजाने को संभाले, पर उससे पहले उसे मुझसे विवाह करना होगा। अब तुम्हें देखकर मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम्हें अपने माँ बाबा से मिलवा दूँ। पर किस लिए? क्या तुम मेरी बात नहीं समझे? नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तुम कुछ खजाने की बात कर रही थी, कैसा खजाना? मुझे लालच दे रही है? तुम पहले मेरे कबीले में चलो, वहाँ मेरे माँ बाबा से मिलो। अगर उन्हें तुम पसंद आ गए, तुम्हारा और मेरा विवाह हो सकता है, और उसके बाद तुम्हें ढेर सारी दौलत भी मिल जाएगी। अच्छा, कितनी दौलत है वहाँ? क्या बहुत सारी है? ये कहकर वो मनी मन में मुस्कुराता है। लगता है ये मेरे जाल में फंसने लगा। और फिर हाँ, बहुत सारी है, पर पहले तुम्हें माँ बाबा की सेवा करके उन्हें खुश करना होगा। क्या तुम ऐसा करोगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो ले चलो मुझे अपने कबीले की तरफ। बस मौका देखकर अब भागना ही पड़ेगा। और अभी ये दोनों बातें करते करते आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक तरफ पेड़ों की तरफ से इन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। ऊंची आवाज में कुछ लोग शायद प्रार्थना कर रहे थे। ये आवाजें कैसी आ रही है उस तरफ से? शायद कुछ लोग हैं, चलो देख कर आते हैं, वरना इस जंगल में तो मुझे तुम्हारे सिवा कोई नजर ही नहीं आया। छोड़ो उन लोगों को, हम अपने रास्ते चलते हैं, यही ज्यादा अच्छा है। और उसे बड़े प्यार से देखती है ताकि वो राजी हो जाए। कामरा को तो पीछा छुड़वाना था, और इससे अच्छा मौका उसे और क्या मिल सकता था कि वो लोगों की भीड़ में चला जाए और वहां से आगे निकल जाए। बस ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, देख कर आते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, फिर वहां से निकल जाएंगे सीधा तुम्हारे कबीले की तरफ। और मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखता है। अब इसे जिद करना ठीक नहीं, वरना कहीं नाराज ना हो जाए। और फिर ठीक है, पर दूर झाड़ियों के पीछे छिपकर देखेंगे वे लोग क्या कर रहे हैं, वरना कहीं मेरी जैसी रूपवती कन्या को देखकर मुझ पर हमला ना कर दे। हाँ, क्यों नहीं, चलो। और कोई तुम पर हमला करेगा तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और एक लंबी सांस लेता है। दूसरी तरफ कबीले के आदिवासी जो सरदार संभल को पसंद नहीं करते थे, इस वक्त अपनी कुलदेवी की प्रतिमा के पास आ खड़े हुए थे और ऊंची आवाज में उनसे प्रार्थना कर रहे थे। डायन चमेली और कामरा इन्हीं लोगों की कुलदेवी की जगह के करीब आ गए थे और अब एक झाड़ी के पीछे से इन्हें देखने लगे थे। डायन चमेली, लो देख लो, आदिवासी लोग देवी को खुश कर रहे हैं और उसकी आंखें चमक उठती हैं। हाँ, मैं भी देख रहा हूं, पर ये क्या कर रहे हैं मुझे तो ये देखना है। कामरा के अंदर का तांत्रिक जाग उठा था और वो यहां होने वाली हर चीज को जानना चाहता था। वो उनकी आवाजों को ध्यान से सुनने लगता है। डायन चमेली कबीले वालों की आवाज सुनकर अपने मस्तिष्क में कुछ महसूस करने लगी थी, इसलिए वो भी शांत खड़ी थी। और इधर कुलदेवी की मूर्ति के पास सभी आदिवासी बड़ी जोर से प्रार्थना कर रहे थे और कुलदेवी को पुकार रहे थे ताकि वो प्रकट हो जाए और वो सरदार संभल की शिकायत कर सके। प्रकट हो माँ कुलदेवी, हम आपके पास शिकायत लेकर आए हैं, हमारे सरदार संभल उचित कार्य नहीं कर रहे, कृपया प्रकट हो जाइए और एक नए सरदार की घोषणा कीजिए। कुलदेवी अभी प्रकट नहीं हुई थी, पर एक तरफ से सरदार संभल घोड़े पर बैठा अपने खास योद्धाओं के साथ वहां आ पहुंचा।
क्या कर रहे हो तुम सभी? मुझे हटाने के लिए कुलदेवी को बुला रहे हो? पर अब कुलदेवी जब आएगी तब आएगी, पर मौत तुम्हारे सर पर आ चुकी है। भोलाना, क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। सरदार बड़ी जोर से हंसता है। मैं तुम सबको मारने आया हूं क्योंकि तुम सभी मेरे विरोधी हो, मेरे कबीले के अंदर। भोलानाथ और सभी आदिवासी, ये क्या कह रहे हो तुम? अब तुम इतना नीचे गिर रहे हो कि अपने कबीले के लोगों की हत्या करने पर उतारू हो गए? हां, ये सब मुझे करना ही है क्योंकि तुम मुझे सरदार पद से हटाना चाहते हो। पर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम हमारी जान के दुश्मन बन जाओ। तुम कबीले के विस्तार की बात का त्याग कर दो, हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम कायर हो, तुम्हें तो वैसे ही मर जाना चाहिए। और फिर सरदार अपने योद्धाओं को आदेश देता है, खत्म कर दो इन सबको, कोई जीवित नहीं बचना चाहिए। भोलानाथ के साथ आए आदिवासी भी अपनी तलवारें और भाले संभाल लेते हैं और दोनों तरफ से युद्ध छिड़ जाता है, कुल देवी के सामने ही, जो लगातार खतरनाक होता जा रहा था। कामरा सब कुछ देख रहा था। इस डायन से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे इन कबीले वालों के बीच में जाना होगा और इन्हें युद्ध करने से रोकना होगा। कामरा एकदम से उन आदिवासियों के पास जा पहुंचता है और एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा हो जाता है। रुक जाओ आप सब, ये क्या कर रहे हो? एक दूसरे को मारना, वो भी अपने ही कबीले वासियों को? ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं, रुक जाओ आप सभी। डायन चमेली को तो पता भी नहीं लगा कामरा कब इन आदिवासियों के बीच पहुंच गया। सभी आदिवासी उसे गौर से देखने लगते हैं। देखो आप सभी, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, किसी को मारकर कुछ हासिल नहीं होगा, मित्रता के साथ आप सबको रहना चाहिए। सरदार, कौन है तू जो हमारे बीच में आ गया? कामरा भी कुछ बोलता कि तभी वहां तेज आंधी चलने लगी और धूल भरी आंधी ने सभी को जमीन पर बैठने के लिए विवश कर दिया। कामरा को भी पत्थर से उतर कर नीचे बैठना पड़ा और कुछ ही पलों बाद जब आंधी शांत हो गई तो वहां कुलदेवी अपने रूप में प्रकट हो चुकी थी। सभी आदिवासी उसे देखते ही खुशी से जयघोष करते हैं। कुलदेवी बेहद क्रोध में लग रही थी, उसकी आंखें अग्नि के समान लाल और चेहरे का तनाव किसी को भी दहशत में ला देने के लिए काफी था। कामरा आदिवासियों के बीच में अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, कहीं देवी उसे पहचान न ले। सरदार संभल डर कर कांप रहा था और सर झुकाए बैठा था। सरदार संभल, तुम क्या करने वाले थे? क्या तुम्हें कुछ पता है? मुझे माफ कर दीजिए कुलदेवी, जो हुआ मेरे अहंकार की वजह से हुआ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तुम इस सरदार के पद के लिए अपने ही कबीले का रक्त बहाना चले थे? क्या तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा इन सब के प्रति भी तुम्हारा कुछ उत्तरदायित्व है? मुझे माफ कर दीजिए कुलदेवी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती और इसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगी। सरदार संभल और उसके योद्धा साथी डर कर कांपने लगे। मृत्युदंड का नाम सुनते ही और अगले पल उन सबके शरीर जकड़ चुके थे कुलदेवी की ऊर्जा से। सभी कुलदेवी से क्षमा मांगने लगे थे, पर कुलदेवी अत्यंत क्रोध में थी। भोलानाथ और उसके साथी हाथ जोड़कर, कुलदेवी शांत हो जाइए, हमारी आपसे विनती है, आप शांत हो जाइए, हम नहीं चाहते कि हमारे कबीले का कोई भी व्यक्ति मारा जाए। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं इन सबको छोड़ दूं ताकि ये फिर ऐसी दुष्टता करें? नहीं, इन पापियों को मरना ही चाहिए, मैं इन सबकी बलि दे डालूंगी। नहीं कुलदेवी, ऐसा मत कीजिए, हम इन सब की तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। और फिर सभी आदिवासी भोलानाथ की हां में हां मिलाने लगते हैं। कुलदेवी कुछ सोचती है और, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसे क्षमा करती हूँ, पर मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, मैं आज और अभी से इसको सरदार के पद से हटाती हूँ। और फिर उसके सिर में पहना सरदार का कपड़े का पट्टा उतार देती है। सरदार, ऐसा मत कीजिए कुलदेवी, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा, कबीले के अंदर जाते हुए भी मुझे शर्म आएगी, कृपया करके ऐसा ना करें देवी। चुप हो जा दुष्ट, तुझे इतनी छोटी सजा देकर छोड़ रही हूँ, वरना तूने जो घृणित कार्य किया है उसके लिए तो तुझे सिर्फ मृत्यु दंड ही देना चाहिए था। आ गया ओ भोलानाथ,
भोलानाथ तेजी से आगे जाता है और कुलदेवी के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। कुलदेवी सरदार का वो पट्टा उसके सर पर पहना देती है। आज से भोलानाथ तुम्हारे नए सरदार हैं, और इसी के साथ मैं भोलानाथ को कहूंगी कि वो 7 दिन के बाद मेरे कबीले का विस्तार करे। भोलानाथ कुलदेवी की बात सुनकर हैरान रह जाता है। ये क्या कह रही हैं आप कुलदेवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें ये कार्य करना ही होगा, क्योंकि अब तुम इस कबीले के सरदार हो। नए बनाए सरदार भोलानाथ को एकदम चुप खड़ा देखकर कुलदेवी कहती है, बोलो भोलानाथ, क्या तुम कबीले के विस्तार के लिए आगे जाओगे या नहीं? मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है, मैं कबीले का विस्तार करूंगा, पर बिना रक्त बहाए। तुम जैसे चाहो काम कर सकते हो। फिर अगले ही पल वहां धूल भरी आंधी शुरू हो जाती है और सबको फिर से अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। कुछ समय तक वैसा ही धूल भरा चक्रव्यूह वहां घूमता रहा और फिर सब कुछ शांत हो गया। तो अब तुम्हारा क्या विचार है संबल, अपनी मानसिकता को बदल रहे हो या नहीं? तूने मुझे सरदार के पद से हटा दिया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और इसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा। मेरी बात हमेशा याद रखना, बहुत जल्द लौट कर आऊंगा मैं। और एक तरफ तेजी से चला जाता है। अन्य आदिवासी सरदार भोलानाथ के जयकारे लगाते हैं और उसे घोड़े पर बैठा लेते हैं। भोलानाथ अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर सबको शांत करता है और एक तरफ खड़े कामरा की तरफ देखता है। अच्छा, अब मैं चलता हूं, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं सरदार बनने की। आप कहां जाएंगे मान्यवर? आज आप हमारे कबीले में चलिए, हम आपका अतिथि सत्कार करेंगे। आपने सही समय पर आकर हमारे आपसी युद्ध को रोक दिया, इसलिए बाप को हमें अतिथि सत्कार का मौका देना ही होगा। कामरा तिरछी नजरों से झाड़ियों के बीच में छुपी चमेली की तरफ देखता है। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। और फिर सरदार भोलानाथ कामरा को अपने साथ लेकर कबीले की तरफ चल देता है। अरे, ये तो बहुत चालाक निकला, ये तो मुझे कुछ भी नहीं रहा है और खुद ही इन कबीले वालों के साथ यहाँ से चला गया। मैं तो सोच रही थी आज रात इससे अपना भोजन बनाऊंगी, पर ये तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। कहीं इसे पता तो नहीं लग गया था मैं एक डायन हूँ। और गुस्से से अपने हथेली पर मुक्का मारती है। फिर कुछ सोचकर, अरे वो कबीले का पुराना सरदार उस तरफ को जा रहा है, अब मुझे उसे पकड़ना चाहिए और अपना मतलब साधना चाहिए। और वो फौरन वहां से निकलकर एक तरफ जा रहे कबीले के पुराने सरदार संभल को आवाज लगाती है। सरदार संभल, सरदार संभल, रुकिए जरा। सरदार संभल अपने पीछे से आती मीठी आवाज को सुनकर रुक जाता है और पलट कर देखने लगता है। जैसे उसकी नजर डायन चमेली पर पड़ती है, उसके रूप सौंदर्य में खो जाता है। कौन है ये सुंदरी और किस कबीले से है? डायन चमेली तेजी से चलकर सरदार संभल के पास जा पहुंचती है और बेहद प्यारी मुस्कान के साथ उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। सरदार, अब मैं कोई सरदार नहीं रहा, अब तो मैं सिर्फ संभल हूं। उस घटिया भोलानाथ ने कुलदेवी से मेरी शिकायत करके मुझे सरदार पद से हटा दिया और मुझे मेरे आदिवासी साथियों के सामने बेइज्जत कर दिया, इसलिए तुम भी मुझे सरदार कहकर मेरा उपवास मत उड़ाओ। मेरे लिए तो आप ही सरदार हैं, और इस कबीले के लोगों ने जो आपका अपमान किया है, तो इसका बदला लेने के लिए अब हम दोनों हाथ मिला लेते हैं और इस कबीले को तबाह कर देते हैं। बोलो, मंजूर है? संभल चमेली को ध्यान से देखता है, पर पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा, कौन से कबीले से हो तुम? मैं दूर दक्षिण में रावल कबीले से हूँ, तुमने नाम सुना है इस कबीले का? संभल उसकी आंखों में देखकर सम्मोहित सा होता जा रहा था। हाँ हाँ, शायद सुना है मैंने, बहुत ही बड़ा कबीला है और बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं उस कबीले में। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वाकई में हमारे कबीले में बहुत सारे योद्धा हैं, पर सच बताऊं तो तुम्हारे जैसा योद्धा मैंने कहीं नहीं देखा। तुम उन सब में श्रेष्ठ हो,
तुम्हें तो देखकर मैं आश्चर्यचकित सी रह गई। खुद तुम्हारी कुलदेवी को आना पड़ा तुम्हें रोकने के लिए, वरना आज तो शायद तुम उन सब गद्दारों का नाश कर देते। तुमने ठीक कहा, और अपनी कमर से अपनी तलवार निकाल लेता है। अगर आज कुलदेवी ना आई होती तो मेरी ये तलवार उन सबकी गर्दनें साफ कर देती। तो तुम फिक्र क्यों करते हो, अभी तो ये तलवार तुम्हारे ही हाथ में है, और तुम्हें अभी भी कबीले के अंदर जाने की पूर्ण रूप से इजाजत है। संभल उसकी तरफ देखता है और फिर थोड़ी परेशानी में अपनी नजरें झुका लेता है। टाइम चमेली तिरछी नजरों से उसे देखती है और उसके चेहरे पर आ रहे भाव को समझने की कोशिश करते हुए, क्या हुआ, तुम थोड़े परेशान से दिखने लगे मेरी बात सुनकर। हाँ, परेशान होने वाली बात तो है ही, क्योंकि मैं उस कबीले के अंदर अब किसी को भी नहीं मार पाऊंगा। मेरी तलवार मेरा साथ ही नहीं देगी, क्योंकि अब कुलदेवी भोलानाथ और कबीले वालों के साथ है। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम अब इस कबीले के अंदर किसी को भी नहीं मार पाओगे? हाँ, मैं किसी को भी नहीं मार सकता जब तक कि सरदार भोलानाथ मुझे इजाजत ना दे। अब उसकी इजाजत मिले बिना तलवार तो छोड़ो, एक चाकू भी नहीं उठा सकता। मेरे हाथ किसी भी कबीले वासी को मारने के लिए चाकू तक का वजन नहीं उठा पाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ रहोगे और हम तुम्हारे इस कबीले से तुम्हारे अपमान का बदला लेकर रहेंगे। पर हमें जाना कहाँ है? तुम चलो तो सही, फिर बताती हूँ। पर मैं अभी तक तुम्हें जानता तक नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे अपने रूप और सौंदर्य में उलझा रही हो, और अब मुझे तुम पर थोड़ा शक भी हो रहा है। ये तुम मेरे हाथों से मेरे कबीले को ही नष्ट करवाने की कोशिश तो नहीं कर रही? डायन चमेली उसकी तरफ देखती है और अपनी आंखों में पानी भर लाती है। क्या तुमने मुझे ऐसा समझ रखा है? मैं तो तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, इसलिए तुम्हारा अपमान मुझे अपना अपमान लग रहा है, और मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश अपने दिल से कर रही हूँ। अगर तुम्हें अपने कबीले से बदला नहीं लेना है तो मत लो, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे शक की नजरों से तो मत देखो। और आगे बढ़कर अपना सर झुका लेती है। अरे अरे, तुम तो रोने लग गई। मेरे कहने का तात्पर्य तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा परख रहा था, और तुमने तो अपने मन की बात मुझे बता दी। और उसकी दोनों हथेलियों को थाम लेता है। अच्छा, तो तुम मुझे परख रहे थे और मेरे मन की बात जानने की कोशिश कर रहे थे। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। और मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। अरे, अब तो तुम नाराजी हो गई। चलो, अब नाराजगी छोड़ो। अगर तुम मेरे अपमान का बदला लेने के लिए मेरा साथ देने तक को तैयार हो गई हो, वो भी मुझे जाने पहचाने बिना, तो फिर मैं तुम्हारे लिए भी कुछ भी कर सकता हूं। अरे, इन कबीले वालों की बात तो, इनसे तो मैं हर हालात में अपना बदला लेकर रहूंगा। मैंने छोड़ने वाला नहीं हूं, बस मुझे मौका मिलना चाहिए। और ये मौका मैं तुम्हें दूंगी, बस तुम वही करते जाना जो मैं तुमसे कहूं। फिर देखना, इस कबीले में तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं, उन सबको मैं बहुत बुरी मौत मार डालूंगी। पर तुम ऐसा करोगी कैसे? तुम बस एक काम करना, अपने कबीले के अंदर से अपने इन सभी दुश्मनों को एक एक करके रात के वक्त बाहर जंगल में ले आना, किसी भी बहाने से। बस आगे का काम तुम मुझ पर छोड़ देना। रात के वक्त, वो भी इस जंगल में? यहाँ तो रात के वक्त डायन का राज रहता है। डायन हम दोनों को मार डालेगी, क्योंकि जो भी इंसान रात के वक्त अपने निवास के अंदर नहीं रहता और रात में इस जंगल के अंदर घूमता मिल जाता है, उसे वो मार डालती है। फिर तो मैं भी मारा जाऊंगा अगर मैं कबीले की सीमा से बाहर निकला तो। अरे, तुम इसकी फिक्र मत करो। और फिर अपनी कमर पर टंगी पोटली में से एक माला निकालती है। लो, इसे पहन लो। जब तक ये तुम्हारे गले में रहेगी, कोई भी डायन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस तुम अब रात के वक्त कबीले से एक आदिवासी को बाहर ले आना। क्या ये माला वाकई में काम करेगी और उस शक्तिशाली डायन को रोक पाएगी? मुझे तो इस माला में कोई खासियत नजर नहीं आ रही है। और उसे हर तरफ से घुमा फिरा कर देखता है। अरे, तुम इसे अपने गले में पहन लो और फिर चाहे रात में डायन के सामने चले जाना, वो भी तुम्हारी दोस्त बन जाएगी।
और तुमसे प्यार भरी बातें करेगी, समझे तुम? क्या तुम वाकई में सच बोल रही हो? हाँ, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। तो फिर ठीक है, आज रात मैं ही उस डायन की परीक्षा लूंगा और देखूंगा वो मुझे मार पाती है या नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम यही करके देख लेना। इधर यह संबल कबीले से अपने दुश्मनों को खत्म करने का विचार बना चुका था, तो दूसरी तरफ डायन चमेली कबीले के लोगों के गर्म खून से अपनी प्यास बुझाने की लालसा पैदा करने लगी थी। तो इधर कामरा इस वक्त कबीले में आ चुका था, उसका अतिथि सत्कार हो रहा था, उसके गले में बेहद खूबसूरत फूलों की सुगंधित माला डाली गई थी। इस वक्त वो एक खूबसूरत से आसन पर बैठा हुआ था और उसके आगे कई तरह के पकवान बने रखे थे। सरदार भोलानाथ उसके बराबर में ही बैठा था और उसे अपने हाथों से भोजन परोस रहा था। आपने तो मेरा मन खुश कर दिया, बहुत दिनों से मैंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, पर आज मैं जी भर कर खाऊंगा। हाँ, और इतना अच्छा भोजन मैंने आज तक नहीं चखा। सरदार भोलानाथ, यह सब आपके लिए ही बनाया गया है, और उसके आगे और भोजन परोसा जाता है। तभी एक खूबसूरत सी आदिवासी लड़की जो एक तरफ छुपकर खड़ी थी और कामरा कोई देख रही थी, उस पर कामरा की नजर पड़ जाती है। सरदार भोलानाथ, वो लड़की कौन है जो मुझे छुपकर देख रही है? अरे वो तो मेरी बेटी तारा है। और फिर आवाज देकर, बेटी तारा इधर आओ, उधर छुपकर क्यों खड़ी हो? तारा शर्माते हुए बाहर निकल आती है और पिता के पास खड़ी हो जाती है। कामरा उसकी तरफ देखता है और मन ही मन में, कितनी कोमल और नाजुक है ये लड़की, चेहरे से कितनी भोली नजर आ रही है। क्या कोई काम है बाबा, या मैं जाऊं? इनसे मिलो, ये दूर कबीले से आए हैं, इनका नाम कामरा है। क्या ये सब भोजन आप ही ने बनाया है? और उसकी तरफ देखकर हौले से मुस्कुराता है। जी हाँ, मैंने ही बनाया है, क्या आपको पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया, जबकि मैं कई बड़े बड़े कबीलों में गया हूँ, ये पहली बार है। सच बताऊं तो तुम बहुत ही अच्छा भोजन बनाती हो। और उसकी आंखों में झांकने लगता है। तारा शर्मा कर अपनी नजरें झुका लेती है।